આજે એક એવા દીકરા વિશે વાત કરવી છે કે સાદી ભાષામાં કહીએ તો દીવો લઈને શોધવા જાઓ તો પણ આવો દીકરો ના મળે, કારણ કે કળિયુગમાં શ્રવણ મળવો તો ખૂબ દૂરની વાત છે. તેમના 10% વિચારો ધરાવતા યુવાનો પણ નથી રહ્યા. ત્યારે આજે જે દીકરા વિશે વાત કરવી છે તેમણે પોતાની જનની માટે આ જગતમાં બીજું કંઈ જોયું જ નથી, નોકરી મૂકી દીધી અને છોકરી પણ નથી જોઈતી, નથી એમને સંસારમાં કોઈ બીજો મોહ. આ વાત છે દક્ષિણામૂર્તિ કૃષ્ણકુમારની કે જેણે પોતાની માતાને ભારત દર્શન સ્કૂટર પર કરાવ્યું છે. 2018થી તેઓ સ્કૂટર પર ભારતના તીર્થયાત્રી છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 75,000 કિલોમીટરનો પ્રવાસ ખેડી ચૂક્યા છે. કર્ણાટકના મૈસૂરના વ્યવસાયે કોમ્પ્યુટર ઇન્જિનિયર 44 વર્ષીય દક્ષિણામૂર્તિ કૃષ્ણકુમાર આવા જ એક સંતાન છે, જેમણે પોતાની 73 વર્ષીય માતાને તીર્થયાત્રા પર લઈ જવાની જવાબદારી લીધી છે. તેમના પિતાના 25 વર્ષ જૂના સ્કૂટર પર તેમની આ યાત્રા ચાલુ છે. હાલમાં તેઓ અમદાવાદ અને સૌરાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ જિલ્લામાં તીર્થસ્થાનોના દર્શન કરી રહ્યા છે. તેમની પાસે ન તો કોઈ નિશ્ચિત ધ્યેય છે કે ન તો ક્યાંય રોકાવાની જગ્યા, તેઓને કેટલું અંતર કાપવાનું છે તે પણ તેને ખબર નથી. કૃષ્ણકુમાર કહે છે કે તેણે બસ ચાલતા જ જવું છે, શક્ય તેટલા તીર્થોના દર્શન કરવા છે, માતાને દેશ અને દુનિયાની મુલાકાત કરાવવી છે. કૃષ્ણકુમાર કહે છે કે નોકરી દરમિયાન એકઠી થયેલી મૂડી અને તેના વ્યાજથી જ તેમનો ખર્ચ પૂરો થાય છે. તે જ્યાં જાય છે ત્યાં ધાર્મિક મઠો અને મંદિરોમાં રહે છે. મોટાભાગના સ્થળોએ તેમને મફત ભોજન મળે છે. અમદાવાદમાં પણ તેઓ અદ્વૈત આશ્રમમાં જ રોકાયા હતા અને હવે તેઓ દ્વારકા માટે રવાના થયા છે. ये स्कूटर हम एक बजाज चेतक स्कूटर 22 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था. ये स्कूटर को खुद मेरा पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर इस यात्रा में हम सिर्फ 2 यात्री नहीं है, 3 हैं. हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है, ये सोच है. ये स्कूटर को खुद मेरा पिताजी का प्रतिरूप मानकर अभी तक हम 75,420 किलोमीटर सफर चुका हूँ सारा भारत, साथ ही साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में. जम्मू कश्मीर तक हम ऑलरेडी गया था, अभी गुजरात बाकी है. सौराष्ट्र घूम रहा हूँ अभी, सौराष्ट्र का यहाँ का मंदिर सभी, द्वारका से पोरबंदर सभी कोस्टल बेल्ट मेरी माता जी को मैं दिखा रहा हूँ. उसके साथ ही साथ ही मेरा एक विचार है, वो माता पिता है वो बोलने वाला भगवान है, माता पिता हमारे साथ रहने वाला भगवान है, वो जीवित रहने के समय में उनको इच्छा पूरा कर, क्योंकि छोटा उम्र से उन्होंने बहुत त्याग करके उनका स्वार्थ ड्रीम्स डिजायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए काम करता है ना, वो भी बड़ा हम भी बड़ा होने के बाद उनको वापस करना, जीवित रहने के समय में उनको प्यार से बात करना, बात भोजन करना, अपना समय देना, ये बहुत बड़ा कैलाश का जैसा फील हो रहा है. यहाँ का बहुत अच्छा वाइब्रेशन है, ये लोग भी यहाँ भक्तगण है, वो मंदिर का परिसर भी बहुत अच्छा है. हम मन बहुत आध्यात्म भाव से जोड़ो ठिकाना ऐसा चाहकर मुझे सारे भारत का दर्शन कराया है. कन्याकुमारी से काश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है, उसका जीवन भी सार्थक हो गया. जन्म दिए गए माता पिता का ऋण चुकाना है, ये आदर्श को वह मान लिया है और समझ लिया है, समझ कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है. इस ये आदर्श को वह समझ कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है. ये गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती हूँ. ये पीछे का व्हील है ना, ये पहिया, इसको लगा कर बैठती हूँ, दोनों ओर पैर रखकर बैठती हूँ. मेरे तबीयत बहुत अच्छा है, उसका तबीयत भी बहुत अच्छा है. मेरे तबीयत के बारे में मेरा बेटा पूछता है, ताल रखता है, वो काळजी रखता है, मुझे पहले खिलाता है और बाद में खाता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है, प्यार से देखता है. ये प्यार से मेरा मानसिक तबीयत और शारीरिक तबीयत दोनों भी अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं होती. ये मेरे बेटे को श्रवण कुमार की उपाधि मिल गया है, ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अरमान नहीं, सभी बेटे लोगों को ये उपाधि मिलना चाहिए. सभी बेटे अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में डलती उम्र में अच्छी तरह देखना, अलग नहीं बनाना, वृद्धाश्रम नहीं भेजना. इसलिए ये आदर्श को ध्यान में रखकर माता पिताओं को अपने साथ रखकर अच्छी तरह देखना, ये हमारा संदेश है बेटे लोगों को.